हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले हम घेर की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और इस तरह ट्रायंगल शेप में रखना है। टॉप से आपको वेस्ट की मार्किंग करनी है, जो कि है 7 इंच। 20 इंच वेस्ट है, उसका 4th पार्ट लेना है हमें। दोनों साइड से नापने के आपकी मार्किंग सेम आनी चाहिए और यहाँ से आपको थोड़ा सा कर्व देना है, कुछ इस तरीके से। अब इस मार्किंग से आपको लेंथ का निशान लगाना है। तो 10 इंच की हमारी चोली आएगी, सो 20 इंच की हमारी घेर आएगा एंड 20 इंच में 2 इंच का हमें मार्जिन रखना है, सो 22 इंच का निशान लगाना है आपको, जिस तरह मैंने लगाया है। ये निशान गोल आना चाहिए और इक्वल आना चाहिए। अब इस निशान से आप कटिंग कर लें। ये हमारी फ्रॉक की स्कर्ट है, जो इस तरह से आएगी। अब हम चोली की कटिंग करेंगे, तो लेंथ आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। मैंने रखी है 11 इंच एंड शोल्डर्स आपको 5 इंच एंड आर्म होल्स भी 5 इंच रखने हैं, क्योंकि ये एक बच्चे की फ्रॉक है। चेस्ट का निशान है 28 के हिसाब से, 4th चौथा भाग होगा 7 इंच। वेस्ट की मार्किंग भी आपको इक्वल रखनी है चेस्ट के, क्योंकि हम टक्स लगाएंगे तो उसमें मार्जिन चला जाएगा। इसके बाद आपको 2 इंच फैब्रिक मार्जिन रखना है। आर्म्स होल की गुलाई कर लें और इसके बाद आप टक्स का निशान लगाएं। तो यहाँ से आपको 3 इंचेस लेना है और लेंथ भी आप 3 इंचेस रख सकते हैं और या 4 इंचेस भी रख सकते हैं। इसके बाद इसकी कटिंग कर ली और टक्स के निशान पर और चेस्ट के निशान पर छोटा सा कट लगा ली। अब आगे फ्रंट वाले पार्ट की आपको आर्म होल्स की कटिंग करनी है। तो आप यहाँ से चेस्ट वाली लाइन से 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएं और इस लाइन को ऊपर शोल्डर से इस तरह मिला लें और इसी लाइन से आपको गुलाई करनी है। इसकी भी कटिंग कर लें। इसके बाद हम नेक की कटिंग पेस्टिंग पर करेंगे, आप चाहें तो बुकरम पर भी कर सकते हैं। तो विड्थ मैंने 2.5 एंड लेंथ 4 इंच रखी है। सब लाइंस को मिला लें और एक स्क्वायर ड्रॉ कर लें। अब टॉप से 8 इंच पर निशान लगाएं और चौड़ाई 1/2 इंच रखें। सब मार्किंग्स को मिला लें और एक राउंड नेक ड्रॉ करें। ऑलमोस्ट 1 इंच आप बाहर की तरफ भी रखें। ये पैच वाला गला बनेगा, जिसमें मैं गोटा लेस का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी फेवरेट लेस यूज़ कर सकते हैं। नेक को अपने फैब्रिक पर पेस्ट कर लें और साइड से 1/2 इंच का मार्जिन रखकर आपको कच्ची सिलाई लगानी है। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे। जहाँ पर मोड़ है वहाँ पर आप हल्का सा कट लगा लें, ताकि सिलने में प्रॉब्लम ना हो। अब आप फ्रंट पैनल लें और उस पर सेंटर में निशान लगा लें। अपने नेक का भी सेंटर पर निशान लगाएं और दोनों को मैच कर रख लें। ये नेक आपको उल्टी साइड पर लगाना है और ये सीधी साइड पर मुड़ेगा। ध्यान रखें कि आप इसको अपनी सीधी साइड पर ही अटैच करें कुर्ती के।
अब किनारे पर सिलाई लगा लें। आप चाहें तो पहले इसे पिन से या बीच में सिलाई लगाकर अटैच कर सकते हैं। हाफ इंच का मार्जिन रखकर आप नेक की कटिंग कर लें और छोटे छोटे कट्स लगा लें ताकि मोड़ने में आसानी हो। अब नेक को अपने फ्रंट साइड पर मोड़ लें और किनारे की सिलाई लगा लें। इसके बाद आपको गोटा लेस चाहिए नेक के एडजस्ट पर लगाने के लिए। तो देखिए, आपको गोटा लेस को सीधा रखना है और इस तरह रखना है और किनारे पर सिलाई लगानी है। जहां मोड़ है वहां पर ध्यान से लगाएं। गोटा लेस लगाने के बाद आप चाहे तो सेंटर में बटन्स लगा सकते हैं। दैट विल लुक सो प्रिटी। इसके बाद जो टक्स के निशान हैं उधर मार्किंग्स लगाकर आपको हाफ इंच पर सिलाई लगानी है और ये सिलाई तिरछी लगेगी। इसी तरीके से आपको बैक के पैनल पर भी सिलाई लगानी है और नेक को रेडी करना है। तो देखिए, बैक के पीस पर भी नेक की विड्थ आपको 2.5 इंच रखनी है और लेंथ भी 4 इंच रखनी है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं लेंथ। और एक राउंड नेक ड्रॉ करना है। इस नेक पर मैं तिरछी पट्टी लगाऊंगी। तिरछी पट्टी की कटिंग आपको 1.5 इंच पर करनी है। मैंने 2 पट्टी काटी है और इनको आपको इस तरह मिलाना है और सिलाई लगानी है। तिरछी पट्टी को फोल्ड करें और अपने नेक की सीधी साइड पर अटैच करें पहले एक पैर की सिलाई लगाकर, और अब कॉर्नर पर सिलाई लगा लें ताकि ये पीछे उल्टी साइड पर आसानी से मुड़ जाए और फिनिशिंग भी आए। इसी तरह टक्स के निशान भी लगा लें और सिलाई कर लें। अभी मैंने तिरछी पट्टी को पीछे नहीं मोड़ा है क्योंकि मैं अभी शोल्डर्स अटैच करूँगी। तो देखिए, आपको शोल्डर्स को इस तरह अटैच करना है। तिरछी पट्टी को आगे वाले पल्ले के ऊपर मोड़ना है और सिलाई लगानी है इस तरह से। दोनों शोल्डर्स को इसी तरह जॉइंट कर लें और अब तिरछी पट्टी को भी मोड़कर फिनिशिंग से सिलाई लगा लें। सेंटर से आप अपनी फिटिंग की मार्किंग करें दोनों साइड और फिटिंग की सिलाई भी लगा लें। तो देखिए, चोली हमारी रेडी है। चोली को घेर से जोड़ने के लिए आप पहले नाप लें कितना मार्जिन एक्स्ट्रा है। तो मैं सेंटर में रख के चोली का जितना मार्जिन बचा है उस पर निशान लगा रही हूँ और फिर उसी निशान से मैं सिलाई लगा दूँगी ताकि आपकी चोली और घेर बराबर आए और बीच में कोई चुन्नट ना आए। इसी तरीके से आपको जॉइन कर देना है। सबसे पहले सिलाई लगाएं।
घेर को मैंने उल्टा रखा है और चोली को आपको सीधा घेर के अंदर डालना है। और दोनों साइड से सिलाई को सिलाई से मिलाकर आपको स्टिचिंग करनी है। तो देखिए, घेर की साइड की सिलाई और चोली की साइड की सिलाई को मिलाकर ही मैं ज्वाइन करूँगी दोनों को। इसी तरह मैंने गोटा लेस लगाकर स्लीव्स को भी रेडी किया है। अब आपको अपनी चोली के आर्म होल से आपको स्लीव के आर्म होल्स की मेजर करना है और मैंने इस तरह मार्किंग की है। स्लीव की सिलाई लगा लें। अपनी कुर्ती को भी सीधा रखें और स्लीव को भी सीधा कर लें। ध्यान रहे जो आगे कटिंग वाली साइड है वो आगे आएगी स्लीव्स की, और सिलाई से सिलाई मैच करके आप नेक की साइड से कुर्ती को उल्टा करें और स्टिचिंग कर दें। इसी तरीके से आपको दूसरी स्लीव को भी अटैच करना है। और बस स्लीव अटैच करने के बाद आपकी कुर्ती रेडी है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।